स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। किन्नौर के नमकिया में रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन, स्थानीय लोग भी कर रहे मदद। नशा तस्करों के खिलाफ शुरू है पुलिस कर्मी की मुहिम, 3 गिरफ्तार। मेगा पार्ट कर नर्मदा बचाओ के लिए निकाली रैली, आगे आई महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। जनजातीय जिला किन्नौर में 20 फरवरी को नमकिया डोंगरी में ग्लेशियर की चपेट में आने से 7J के राइफल्स के 6 जवान दब गए थे, जिसमें से 3 जवानों को आर्मी, ITBP, स्निफर्स डॉग व स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से ढूंढा जा रहा है। हालांकि आर्मी ने कुछ दिन ग्लेशियर पॉइंट से स्थानीय लोगों को दूर रखा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद कुछ न मिलने पर ग्रामीणों की सहायता भी ली जा रही है। रेस्क्यू दल ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन के 11वें दिन और 12वें दिन 2 जवानों को खोज निकाला। रामपुर बुशहर में नशे के खिलाफ छेड़े जा रहे अभियान में पुलिस को लगातार सफलता हाथ लग रही है। इस नशे की रोकथाम के लिए पुलिस भी दिन रात जुटी हुई है। इसी कड़ी में रामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रामपुर पुलिस ने अलग अलग स्थानों से चिट्टे और चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बड़वानी नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने सैकड़ों महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सरेआम बिक रही शराब, पुनर्वास योजना और नर्मदा घाटी विकास को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मेधा पाटकर ने कहा कि जिस प्रकार से नर्मदा घाटी में महिलाओं के ऊपर हो रहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे शराब बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद 50 से ज्यादा महिलाएं जो विधवा है वो शराब के कारण हुई है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।